गाइस कैसे हो दोस्तों, आज अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया प्लीज सब्सक्राइब पहले कीजिए। आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा हमारे यावल शहर का जो पवित्र ऐसा महादेव जी का मंदिर है, कारकेश्वर मंदिर देखा आपने। अभी उसके सामने जो गार्डन है और वहाँ पे एक गायमुख है, पुरातन मंदिर है, गायमुख करके है, उसका भी आप दर्शन करेंगे। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं अभी गार्डन में। सुंदर ऐसे झाड़ है, पूरा हरा भरा गार्डन है, पूरी स्वच्छता है, कोई प्लास्टिक का कचरा वगैरह नहीं है। यहाँ के जो कर्मचारी है वो पूरा ख्याल रखते हैं इसका, और हमारे कॉरपोरेशन भी उसके लिए सहयोग करती है। सामने दिख रहा है व्यास मंदिर का गेट है, जो आपको मैंने अभी दो दिन पहला वीडियो में ये बताया था, व्यास मंदिर बताया था ये गेट है। ये जो गार्डन है व्यास मंदिर के सामने, और इधर महादेव मंदिर है, तारकेश्वर महादेव मंदिर, उसके सामने या गार्डन के अंदर ये गायमुख करके है, ये पुरातन मंदिर है। आपको मैं उसका दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, ये जो हनुमान की मूर्ति है उसके नीचे जो गाय का मुख दिख रहा है, यहाँ से पहले हर रोज रात दिन पानी आता था, अभी उसका पानी बंद है। अभी ये नगर पालिका ने कुछ व्यवस्था की है, कॉरपोरेशन ने उसकी व्यवस्था की है, देख सकते हैं। ये बहुत पुरातन है, ये सब जो इसको गाय मुख बोलते हैं, ये जो कुंड है गायमुख के, कुंड एक दो तीन कुंड है, या सफाई भी होती है, लेकिन कोई आने वाला कुछ भी यहाँ डाल के चले जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, सब सफा रखना चाहिए, अपने गांव की शोभा बढ़ती है। कोई आएगा तो अच्छे देखेगा तो अपना अच्छा लगेगा। कुंडे के बाद जमीन ऊपर चढ़ने के बाद यह जब कुछ खुदाई हुई थी तो ये प्राचीन मूर्ति यहाँ मिली है, इसका भी उद्धार होना चाहिए, इनके भी अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए। इसको यहाँ लोगों ने कलर कर दिया है, देख सकते हैं बहुत प्राचीन मूर्ति है यह। पुरातन प्राचीन मूर्ति है, इसका भी सही तरीके से देखभाल होना चाहिए। गार्डन की व्यवस्था सही है, पानी वगैरह सब सही है होने के कारण, स्वच्छता होने के कारण, या कोई आता है आदमी तो अच्छा उनका दिन निकल जाता है। ये सब शाम को छोटे बच्चे बुजुर्ग आके बैठते हैं, या बहुत सुंदर गार्डन बना है यावल शहर में। ये व्यास मंदिर के सामने गार्डन है, इसलिए जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ आके आराम करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
आपको क्या लगता है, कुछ आपको सुझाव लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।